अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू cookingit.com। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ज़ीरे वाले बिस्किट, वो भी बग़ैर ओवन के। सो अगर आप एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे आ ही गए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बगैर मत जाइएगा। तो ज़ीरे वाले बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप मैदा लिया है, आधा कप बटर लिया है, आप चाहे तो घी या ऑयल भी ले सकते हैं। एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, एक चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, एक चाय का चम्मच नमक लिया है, और एक खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा लिया है। सबसे पहले एक बाउल में बटर डालेंगे, बटर आपका मेल्ट होना चाहिए, उसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, साथ ही इसमें नमक ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, आधा ज़ीरा हम ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो चुकी हैं, इसमें एक अदद अंडा ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि ये डो की शक्ल इख्तियार कर ले। तो यहाँ पर डो हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपकी डो ज़्यादा नर्म हो तो आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं, और देखें डो का टेक्स्चर इस तरह से होना चाहिए, स्मूथ और बिल्कुल क्रम्बल सा। तो अब हमने यहाँ पर इसका बॉल बना लेना है। आपको यहाँ पर किसी भी कटर या मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से इसे रोल करके इसे फ्लैटन करें, और इसके बाद थोड़ा सा ज़ीरा इसके ऊपर चिपका दें, और लीजिए बिस्किट हमारा रेडी हो चुका है। इसे अच्छे से शेप देने के बाद मैंने यहाँ पर बेकिंग शीट को रेडी कर लिया है, इस पर बेकिंग पेपर लगा दिया है, और बिस्किट को इस पर सेट कर देंगे। तो अब हम इसे देगचे में बेक कर रहे हैं। तो देगचे में कोई भी प्लेट या प्याले को उल्टा करके रखेंगे, इसके ऊपर हम अपनी बेकिंग शीट रख देंगे, और इसे हमने ढककर तकरीबन 40 मिनट्स तक के लिए, या फिर बिस्किट्स हमारे जब तक गोल्डन और साइज़ में बड़े नहीं हो जाते तब तक बेक करना है। तो यहाँ पर 40 मिनट्स हो चुके हैं और बिस्किट हमारे रेडी हैं, अब इसे ठंडा कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक पीस पलट के दिखाती हूँ, ये देखें एकदम गोल्डन हो चुके हैं नीचे से। इसे ठंडा करेंगे और इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर एक महीने तक के लिए इजीली सेव कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।